फैक्ट्स विद भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भाई बहन ने मिलकर पैदा किए 4 बच्चे, अब रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई। द मिरर की खबर के मुताबिक पैट्रिक सुबिंग अपनी छोटी बहन सुसान कैरोलेस्की के साथ 20 साल से रह रहा है। पूर्व जर्मनी में रहने के दौरान उसके पिता ने पैट्रिक पर हमला किया था, जिसके बाद उसने घर छोड़ने का फैसला किया। बहन के घर में रहने के दौरान दोनों ने बेडरूम शेयर करना शुरू कर दिया और पैट्रिक ने मानसिक तौर पर बीमार अपनी छोटी बहन के साथ संबंध बनाए। इस नाजायज रिश्ते से दोनों के 4 बच्चे भी हो गए, जिसमें से 2 विकलांग हैं। साल 2011 में कपल ने जर्मनी के कानून को बदलने की मुहिम शुरू की थी और वे चाहते हैं कि उनके रिश्ते को कानूनी तौर पर मान्यता मिले। जर्मनी का कानून सगे भाई बहन के बीच संबंधों को नाजायज ठहराता है और उनके रिश्ते को अवैध माना जाता है। इस कानून के खिलाफ कपल ने 2012 में ह्यूमन राइट कोर्ट में अपील की थी। पैट्रिक इस मामले में 2 बार जेल की सजा भी काट चुका है। उस समय मेल ऑनलाइन ने पैट्रिक को ये कहते हुए रिपोर्ट किया गया था कि हमारे बीच जो भी कुछ भी हुआ उसके लिए हम खुद को दोषी नहीं महसूस करते। उसने कहा था, यह परिवार का मुखिया है और अपनी बहन की रक्षा करता है। पैट्रिक ने कहा कि सुसान काफ़ी सेंसिटिव है और मैं मुश्किल वक्त में उसका साथ देता था, इसी दौरान हम फिजिकल हो गए। पैट्रिक का कहना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया और हमें नहीं पता था कि साथ सोना गैरकानूनी था। उसने कहा कि हमारी मां ने भी इस रिश्ते को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इस बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ हम दोनों को है। सुसान भी अपने रिश्ते का बचाव करते हुए कहती हैं कि बचपन में साथ बड़े होते हुए वे अपने भाई को नहीं जानती थी, लेकिन जब वे पिता ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया तब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दुनिया में फिलहाल करीब 22 ऐसे मुल्क हैं जहां भाई बहन के फिजिकल रिलेशन को गैरकानूनी माना गया है। इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, साउथ कोरिया और तुर्की शामिल है, लेकिन अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों में इस कृत्य के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है। ब्रिटेन में भी ये गैरकानूनी है और वहाँ इसके लिए उम्र कैद की सज़ा तय है। बने रहिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद भारत में।